एक छोटा सा डेटा मैंने बताया ताकि आपको इफेक्ट जल्दी समझ में आए। गांजा जीपीटी आप रिकॉर्ड कर सकते हैं क्लास को अल्ट प्लस आर प्रेस करके, जूम के अंदर रिकॉर्डिंग की फैसिलिटी अवेलेबल है। तो हमारे पास ये डेटा है, अगर हमने इसे नॉर्मली कॉपी किया और कहीं भी पेस्ट किया, जैसे मैंने यहाँ कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दिया, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से कॉपी के यहाँ पेस्ट जैसा था वैसा आ गया। अब वैल्यू चेंज हो गई तो रैंड बिटवीन फॉर्मूला चेंज कर रहा है, तो इसको इग्नोर कीजिएगा। जब हम कॉपी पेस्ट करते हैं तो एक डेटा दूसरे जगह पे, चाहे सेम सीट पे हो, अनोदर शीट पे हो, अनोदर फाइल पे हो, सेम टू सेम कॉपी पेस्ट होता है। लेकिन क्या होता है कि कई बार हमें पेस्ट स्पेशल की जरूरत पड़ती है। पेस्ट स्पेशल की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि हम जहां से कॉपी कर रहे हैं ना, वो पूरा का पूरा एरिया पेस्ट नहीं करना है, मुझे इसमें से कुछ पर्टिकुलर पार्ट को पेस्ट करना है। जैसे कि मुझे मान लीजिए इसमें से सिर्फ फॉर्मूला पेस्ट करना है, तो मैंने फॉर्मूला पे क्लिक करके जैसे ओके किया तो फॉर्मूला पेस्ट हुआ। अब आप लोग बोलेंगे कि नेम में, रोल नंबर में, मार्क्स में कोई पूजा कोई फॉर्मूला तो है नहीं। तो फॉर्मूला का मतलब हुआ जो ऊपर जो ये आपको दिखता है, इसको फॉर्मूला बार कहते हैं। इस फॉर्मूला बार को कॉपी पेस्ट करता है। जो फॉर्मूला में डेटा है आपका, नॉर्मल डेटा है तो नॉर्मल डेटा, और आपका कोई फॉर्मूला है तो फॉर्मूला को पेस्ट करता है। सिंपल सा फॉर्मेटिंग और बाकी चीजों को वो इग्नोर कर देता है। लेकिन मुझे फॉर्मूला नहीं चाहिए, तो पेस्ट स्पेशल में जो थर्ड नंबर पे आता है वैल्यू, जो कि फॉर्मूला को रिमूव करके पेस्ट करता है। जो कि आप अपने सामने देख पा रहे हैं कि इसने अब फॉर्मूला अवेलेबल नहीं है, फॉर्मूला को रिमूव कर दिया और साथ में किसी तरह की फॉर्मेटिंग वगैरह नहीं लिया। लेकिन एक चीज हो रही है कि हम कॉपी करके किसी और लोकेशन पे पेस्ट करते हैं तो मेरा फॉर्मूला रिमूव होके पेस्ट होता है। लेकिन मान लीजिए अच्छा, डिफरेंट नंबर्स आ रहे हैं दोनों। हाँ, मैंने आपको बताया ना कि रैन बिटवीन का फॉर्मूला लगा है जो हर बार रैंडम नंबर देता है। अच्छा, तो इसको इग्नोर कीजिए, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे बात आती है, समटाइम हमें जरूरत पड़ती है फॉर्मूला को रिमूव करने की। जैसे जो फॉर्मूला आप देख पा रहे हैं, मुझे इसको रिमूव करना है, तो मैं कॉपी करके इसी के ऊपर पेस्ट स्पेशल और इसमें दे देंगे वैल्यू। तो क्या होगा कि इसके अंदर जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला रिमूव होके इसके ऊपर पेस्ट होगा, और जिससे आपका फॉर्मूला हट जाएगा। देखिए अब 36 दिख रहा है, इसके अंदर का फॉर्मूला हट गया। ये बहुत ही अच्छी चीज है क्योंकि इसकी जरूरत हमें अपने ऑफिस में पड़ती रहती है। अब एग्जांपल के लिए मैं अपने ऑफिस में बनी हुई एक रिपोर्ट आपको दिखाता हूं। अब जो रिपोर्ट आपके सामने दिख रही है, ये रिपोर्ट मेरी इस डेटा शीट से कनेक्टेड है, और यहां पे मैंने कई जगहों पे बहुत सारा फॉर्मूला लगाया हुआ है। अब प्रॉब्लम है कि फाइल मुझे मान लीजिए किसी को भेजनी है, तो बोले क्या सर फाइल भेज दीजिए। इसमें प्रॉब्लम है कि मेरा जो डेटा है काफी लार्ज है या कॉन्फिडेंशियल है, हम नहीं भेज सकते। सो हमें सिर्फ डैशबोर्ड भेजनी है, कोई डेटा नहीं भेजना। तो कैसे करें? तो हम जो सीट को हमको एक अलग फाइल में इसको निकालना है, तो हम राइट क्लिक करके यहाँ मूव एंड कॉपी, सीट के ऊपर राइट क्लिक करेंगे तो मूव और कॉपी दिखेगा। अब इसमें क्रिएट कॉपी पे जरूर क्लिक कीजिएगा, ऐसा नहीं करेंगे तो यहाँ से आपका सीट मूव हो जाएगा। सो क्रिएट कॉपी करें ताकि एक कॉपी आपके फाइल में रहे, इसकी कॉपी बन के नई फाइल में जाए। जब आप ऊपर सिलेक्ट करेंगे टू बुक में न्यू वर्कबुक को सिलेक्ट करके जैसे ओके किया, एक नई एक्सेल फाइल में उस सारे के सारे चीजें को डाल दिया। अब मैं इस फाइल को सेव करके आपको भेज दूं तो मुझे लगता है कि आप इसको यूज कर पाएंगे, क्योंकि आप देखेंगे कि अभी भी फॉर्मूला लगा हुआ है।
अब मेरे पास इसका रिजल्ट आ रहा है क्योंकि मेरे सिस्टम पे ये फाइल अवेलेबल है, ओपन है, अवेलेबल है, इसलिए दिख रहा है। आपके पास अवेलेबल नहीं होगा तो एरर शो करेगा। अब मुझे सारे फॉर्मूले को रिमूव करना है। अब बहुत सारे जगहों पे लगा, यहाँ लगा, यहाँ लगा, यहाँ लगा, यहाँ लगा है, बहुत सारे जगहों पे लगा है। अब एक एक, अब इसमें चार्ट भी है हमारा, तो हमें चार्ट वगैरह को छेड़छाड़ नहीं करनी है, हमें सिर्फ फॉर्मूला रिमूव करने हैं। तो उस केस में आप ए वन और ए के बीच में जो ट्रायंगल है ना, इस ट्रायंगल पे क्लिक करते हैं, पूरी की पूरी सीट सेलेक्ट हो जाएगी। अब इसको आप कॉपी कीजिए और इसी के ऊपर पेस्ट स्पेशल, और आपको यहां दिखेगा वैल्यू, दिख गया वैल्यू। अब इस पे मैंने क्लिक कर दिया और ओके कीजिए। आप देखेंगे कि आपका कोई और फॉर्मेट या चार्ट या इमेज या कुछ भी जो है चेंज नहीं हुआ है, बट जहां जहां फॉर्मूला लगा था ना, वो सारे फॉर्मूला रिमूव होके उसकी ओरिजिनल नंबर पे आ गया। ओके, तो इसका इस्तेमाल हम बहुत सारे जगहों पे करते हैं, मोस्टली फॉर्मूला को रिमूव कर लेते हैं। तो पेस्ट एज वैल्यू समझ में आ गया, किसी को डाउट है? चलिए सर एक बार और बता दीजिए। क्या बता दे? एक बार और, मतलब आपने ये बोला कि ये जो मार्क्स यहाँ पे 47-41 है, इसको मैं इग्नोर करूंगी क्योंकि इसमें बिटवीन फॉर्मूला लगा हुआ है। हमने आपको बोला कि जो मार्क्स बार बार चेंज हो रहे हैं ना, इसको इग्नोर कीजिए क्योंकि रैंक बिटवीन का फॉर्मूला लगा हुआ है, समझ गए? फॉर्मूला हमने बताया कि क्योंकि फॉर्मूला की प्रॉपर्टी है कि हर बार अपने आप को चेंज कर रहा है। अगर इससे आपकी प्रॉब्लम होती है तो मैं सिंपल सा 46 लिख के इस पे हम प्लस 10 करके एक फॉर्मूला बना देते हैं, चेंज नहीं होगा, हो गया। ठीक है ना? तो यहाँ रैंक बिटवीन और पेस्ट एज ए वैल्यू का कोई लिंक नहीं है। ठीक है, तो हमारा सिंपल सा काम है कि कहीं कॉपी करके कहीं भी पेस्ट एज ए पेस्ट डेटा को कॉपी कर लिया, और कहीं भी अगर आपने पेस्ट स्पेशल किया, अगर आपने वैल्यू सेलेक्ट कर लिया, तो फॉर्मूला रिमूव करके, फॉर्मेटिंग रिमूव करके पेस्ट करेगा, ठीक है ना? लेकिन अगर आपने उसी के ऊपर राइट क्लिक पेस्ट स्पेशल में अगर आपने वैल्यू सेलेक्ट कर लिया, तो सिर्फ उसकी फॉर्मूला रिमूव कर देगा उसी लोकेशन में। जैसे 40 यहाँ पे देखिए 66 जो है आपका प्लस 20 है ना, ये हटा के देखिए नॉर्मल, इसने क्या कर दिया, नंबर कर दिया। सिंपल, समझ आ गया आपको? अब कई बार क्या होता है कि हमें कुछ चीज की फॉर्मेटिंग चाहिए होता है, इसका कलर, इसका बॉर्डर, जो चीजें होती है वो चाहिए होता है, तो वो भी आप पेस्ट स्पेशल में यहाँ पे फॉर्मेट करेंगे तो आ जाएगा। हालांकि इसके लिए जनरली हम लोग फॉर्मेट पेंटर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मान लीजिए सेम फॉर्मेटिंग हमको यहाँ चाहिए, तो हम इसको सिलेक्ट करके फॉर्मेट पेंटर और यहाँ क्लिक ड्रैग कर देते हैं तो हमारा फॉर्मेट आ जाता है। तो ये चीज हम फॉर्मेट पेंटर से भी करते हैं। और कई बार इसमें कमेंट डाला जाता है, जैसे मार्क्स है तो इसमें एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए मैं राइट क्लिक करके न्यू कमेंट पे चले गए और यहाँ पे डाल दिया कि दिस इज फाइनल मार्क्स और एंटर प्रेस कर दिया, यहाँ पे इस पे क्लिक कर दिया। अभी हो गया आपका एक कमेंट हो गया। जब मेरा माउस का पॉइंटर इसके ऊपर जाएगा तो दिखेगा, माउस का पॉइंटर नहीं जाएगा तो नहीं दिखेगा। पॉइंटर गया तो दिखा। अब मैं कॉपी करके इस जगह पे पेस्ट स्पेशल और इसमें अगर मैं कमेंट्स एंड नोट्स कर दूं तो इसकी जो मार्क्स है, फॉर्मेटिंग है, जो चीजें लिखी हुई है वो नहीं आएगी। इसके अंदर जो अभी कमेंट इंसर्ट किया था ना, जस्ट उसका कमेंट पेस्ट होगा, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, बाकी चीज आपका कुछ नहीं आएगा।
उसके अलावा कभी कभी क्या होता है कि बॉर्डर, अब जैसे बोलेंगे ये लाइनिंग है ना, ये लाइनिंग प्रिंट पे नहीं आता, जब प्रिंट करेंगे तो ये देखिए सफ़ेद आ रहा है ना, प्रिंट में आपको वही आएगा जो आपने बॉर्डर लगाया हुआ है। तो मैं चाहता हूं कि सब कुछ पेस्ट हो, इसका बॉर्डर पेस्ट ना हो। तो पेस्ट स्पेशल में मैं यहां पे ऑल एस्पेक्ट कॉलम बॉर्डर सेलेक्ट करके जैसे ही ओके करूंगा, तब देखिए सब कुछ आया, बस इसकी जो लाइनिंग थी देखिए जो बॉर्डर था वो नहीं आया। अब क्या होता है कि आपने इस रिपोर्ट को देखा होगा कि मैंने बहुत सारे रो एंड कॉलम को एक फॉर्मेट में किया हुआ था। तो हम रिपोर्ट्स बनाते समय क्या करते हैं कि कॉलम को साइज को अपने हिसाब से फिट करते हैं ताकि कॉलम का साइज एक तरीके से आए। अब मुझे क्या करना है कि इस कॉलम साइज को कॉपी करके पेस्ट करना है। देखिए तो प्रॉब्लम क्या होता है, जब डेटा पेस्ट करते हैं तो कॉलम की साइज पेस्ट नहीं होती। तो कॉलम की साइज पेस्ट करने के लिए हम पेस्ट स्पेशल में कॉलम विड्थ का इस्तेमाल करते हैं, कॉलम विड्थ दैट ओके। अब देखिए ये आपके कॉलम का विड्थ पेस्ट हुआ, लेकिन ध्यान रखिएगा जब आप राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल में कॉलम विड्थ को सिलेक्ट करते हैं, जस्ट कॉलम की विड्थ पेस्ट होती है, डेटा पेस्ट नहीं होता है। लेकिन आपके पास लेटेस्ट एक्सेल है तो जब राइट क्लिक करते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे आइकन्स होते हैं, और यहाँ में भी क्लिक करेंगे तो बहुत सारे आइकन्स मिलेंगे, ये सारे पेस्ट स्पेशल फीचर जो आप क्लिक करके लाते हैं ना वही चीज यहाँ पर भी है। जैसे कि ये आपका पेस्ट है, ये आपका पेस्ट फॉर्मूला है, फॉर्मूला भी नंबर फॉर्मेटिंग वगैरह है, ये बॉर्डर है, नो बॉर्डर है, ये सब चीज़ें हैं सर, वैल्यू है। तो यहीं पर आप देखेंगे आएगा कीप सोर्स कॉलम विड्थ, कीप सोर्स कॉलम विड्थ, इसमें डेटा भी आएगा और आपका कॉलम का विड्थ भी आएगा, ये बहुत जरूरी है मैम। क्या होता है सुमन जी, जब हमारे पास एक मान लीजिए आपने एक रिपोर्ट बनाया, उस रिपोर्ट को प्रिंट करना है, अब मैं चाहता हूँ जो रिपोर्ट है ना वो प्रिंट सिर्फ एक पेज में आए, प्रिंट जो है सिर्फ एक पेज में आए। तो एक पेज में प्रिंट करने के लिए हमें इसका इस्तेमाल करते हैं। तो एक पेज में प्रिंट करने क्या इस्तेमाल करते हैं, हम कॉलम की साइज को थोड़ा सा डेटा के हिसाब से कम और ज्यादा करते हैं, जिस कारण से हमारा एक पेज में प्रिंट आ जाता है। लेकिन जब उसकी कॉपी करके कहीं पेस्ट करते हैं तो कॉलम हो जाती है, सारे कॉलम विड्थ गायब हो जाते हैं, फिर से दोबारा अरेंज करना पड़ता है, वहां पे इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। अब आपके डेटा में कई बार डेट टाइम हुआ करता है, जैसे मान लीजिए मैंने डेटा में डेट्स डाल दिए, जुलाई का डेट डाल दिया, अब मैं इसको कॉपी कर राइट क्लिक पेस्ट स्पेशल और इसमें मान लीजिए वैल्यू कर दिया, तो वैल्यू करते हैं नंबर आ गया। अब ये नंबर कैसे आया, क्यों आया, वो बाद में बात करेंगे, पहले जानते हैं कि ये नंबर है क्या, क्या कोई कोड है, जी नहीं। जब डेट आप सेव करते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने आज का डेट सेव किया तो आपको दिख रहा है कि डेट 25 जुलाई 2022 ऐड हुआ है, लेकिन जैसे एंटर मारते हैं सिस्टम इसको कैलकुलेट कर लेता है नंबर ऑफ डेज में। जब उसके ऊपर जनरल फॉर्मेटिंग करेंगे ना, ये नंबर ऑफ डेज में जाएंगे, मतलब कि 44,767 दिन, कब से, जब से कंप्यूटर कैलेंडर शुरू हुआ है। कंप्यूटर कैलेंडर कब से शुरू हुआ है, तो 1 जनवरी 1900, मतलब कि आप अगर जाएंगे कंप्यूटर में तो आपको कैलेंडर में 1 जनवरी 1900 से पहले की डेट नहीं दिखेगी। तो 1 जनवरी 1900 को हमारा कंप्यूटर कैलेंडर शुरू हुआ, तब से लेके आज तक 44,767 दिन हुए हैं। तो ये जो नंबर है नंबर ऑफ दिन होता, डेज होता है। अब इसको साबित कैसे करेंगे, किसी ने बोला कि यार ऐसे फेंक रहा है, तो ही होता है। तो साबित करने के सिंपल है कि आप वन लिखे और इस वन, वन मतलब कि एक दिन, और इसके ऊपर आप जो है डेट का फॉर्मेट यूज करें। देखिए 1 जनवरी 1900 लिख गया,
अब मैं इसमें 31 करता हूँ तो 31 आएगा, से 32 दिन किया तो महीना चेंज हो जाएगा, ये फरवरी का महीना आ जाएगा। ऐसे 367 दिन दिया तो ईयर चेंज हो जाएगा, 1901 ईयर आ जाएगी। ऐसे मैंने 44,767 दिन दिया तो ये आपको 25 जुलाई 2022 आ गया। अब ये तो हम समझ गए कि ये जो नंबर्स है वो क्या है। अब यहाँ पे ये समझना बाकी है कि आखिर है क्यों ये नंबर ऑफ डेज जो है इस तरह के फंडामेंटल की क्यों किया गया, नॉर्मल रख दिया था। तो एक्सेल में किसी भी नंबर के साथ अगर आप टैक्स लिख देते हैं तो आप कोई भी कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे। जी हाँ, कोई भी कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे। बट डेट में कैलकुलेशन कैसे कर लेते हैं, तो बेसिकली डेट आपको दिखता है 25 जुलाई 2022, बट एक्चुअल में क्या होता है, एक्चुअल में होता है जनरल फॉर्मेट जब करेंगे तो एक्चुअल में आएगा नंबर, और जो कैलकुलेट होके आया वो भी नंबर आया। लेकिन जब हम डेट का फॉर्मेट अप्लाई करते हैं तो वो 31 के पास महीना और 365 के बाद साल चेंज करके एक डेट सीक्वेंस तैयार कर देता है, एक डेट के फॉर्मेट का कमाल है। लेकिन जब हम पेस्ट एज वैल्यू करते हैं ना, तो पेस्ट एज वैल्यू को बोला जाता है रिमूव ऑल फॉर्मेट। क्या बोला जाता है, रिमूव ऑल फॉर्मेट। और डेट भी एक तरह का फॉर्मेट है हमारा, तो क्या हो रहा है वो उसको भी रिमूव कर देता है। इसलिए अगर आपको डेट की फॉर्मेट रखनी है तो फॉर्मूला और वैल्यू, जो फॉर्मूला दिख रहा है या वैल्यू दिख रहा है, इसके जगह पे आप यूज करेंगे पेस्ट स्पेशल एज ए नंबर फॉर्मेट या पेस्ट स्पेशल एज ए वैल्यू, वैल्यू जो नंबर फॉर्मेट या फिर फॉर्मूला एज ए नंबर फॉर्मेट, और जस्ट ओके पे क्लिक करें। ओके पे क्लिक करते ही आप देखिए कि आपके सामने बिल्कुल डेट आ गया, बट कलर बॉर्डर फॉर्मूला वगैरह नहीं आया, सिर्फ उसका डेट आया है। तो नंबर फॉर्मेटिंग में क्या क्या आता है, डेट, ये पूरा दिख रहा है आपको, डेट, टाइम, करेंसी, परसेंटेज, ये सारा फॉर्मेट आपको लाएगा। बाकी जो फॉर्मेट होती है कलर बॉर्डर फॉर्मूला ये सब चीजें नहीं लाएगा। समझ में आप लोगों को कोई डाउट, इसमें कुछ पूछना चाहते हैं, चलिए कोई डाउट नहीं है, अब आगे बढ़ते हैं। अब इसमें एक चीज और आती है कि हम यहां पे 20 लिखे हैं, यहां पे 30 लिखे, जब 20 को कॉपी करके 30 के ऊपर पेस्ट करते हैं नॉर्मली कॉपी भी कंट्रोल सी एंड कंट्रोल भी, तो आपका 20 जो है 30 को रिप्लेस करके 20 डाल देता है। लेकिन पेस्ट स्पेशल के अंदर सेकेंड पार्ट जो होता है वो आता है ऑपरेशन, दिख रहा है ऑपरेशन, अब जो ये जो ऑपरेशंस है इसके अंदर जब आइएगा तो इसमें आता है कैलकुलेशन। जैसे हमने ऐड पे क्लिक कर लिया तो ऐड पे क्लिक करते क्या होगा, ऐड पे क्लिक करते अब दोनों के बीच में मैथमेटिकल कैलकुलेशन, मैथमेटिकल कैलकुलेशन होगा और रिजल्ट 50 यहाँ पे पेस्ट। सुना ही नहीं दे रहा मॉडल, अब इसमें आगे बढ़ते हैं, राइट क्लिक पेस्ट स्पेशल, इसमें मैं अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो मल्टीप्लाई हो जाएगा पेस्ट स्पेशल, अगर मैं इसमें डिवाइड करूं तो डिवाइड हो जाएगा। तो जो आप करेंगे एक चीज में हो जाएगा, ठीक है। ये तो पेस्ट स्पेशल का बेसिक पार्ट रहा। ठीक है,
इसकी बात करते हैं, कि इसका ऑफिस में यूज क्या करेंगे। अब ये आपको रिसर्च करनी है, तो अब आपको रिसर्च करनी है, साथ में मैं आपको जो है एक डॉक भी भेज रहा हूं व्हाट्सएप पे, देखिए एक डॉक्यूमेंट आपको मैंने भेजा है। तो आपको क्या करना है, इस डॉक्यूमेंट को एक बार पढ़ना है और साथ में आज जो चीजें मैं बताई उसकी प्रैक्टिस करनी है, और आपको रिसर्च करना है कि जब हम कॉपी पेस्ट करेंगे और इसमें ऑपरेशन इस्तेमाल करेंगे इससे क्या बेनिफिट हो सकता है रियल लाइफ में। रियल मेरा तो खुल नहीं रहा है क्या? एक्सक्यूज मी सर, जो आपने व्हाट्सएप किया है वो डॉक्यूमेंट नहीं खुला, मैं नॉट हैव अ प्रॉपर ऐप फॉर व्यूइंग दिस कंटेंट। वो आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डाउनलोड नहीं कर रखा है क्या? नहीं सर, ये मेरा कंप्यूटर से लैपटॉप पे है, मोबाइल पे नहीं है सर। ओके, तो वहां से आप इस व्हाट्सएप वेब खोल के आप डाउनलोड कर लीजिए सिस्टम पे। आप अपने व्हाट्सएप को सिस्टम पे भी खोल सकते हैं, webs.whatsapp.com साइट पे जाके डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। बेसिकली ईमेल वगैरह मैं नहीं करता, इसकी रीजन ये होता है कि ईमेल आप लोग जो है हमेशा उसके टच में नहीं रहते हैं, बट सेलफोन टच, क्योंकि हमारे पास जितने भी लोग हैं सब वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, तो ईमेल पे हमेशा टच में ही रहते हैं। कई लोग तो अपना पर्सनल ईमेल खोलते भी नहीं, क्योंकि उनकी ऑफिस ईमेल ऑफिस के लैपटॉप पे काम चलते रहता है, इसलिए मैं मोबाइल पे ही ज़्यादातर भेजता हूँ ताकि आप लोग उसको कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज कीजिए, कल की क्लास में हम आपके साथ बातचीत करेंगे एडवांस पेस्ट स्पेशल, एडवांस पेस्ट स्पेशल। ठीक है सर, ठीक है, तो मिलते हैं कल सेम टाइम। बाकी चीजें पूछना होगा फोन कर लीजिएगा, कोई दिक्कत होगी क्यूरी होगी।